नमस्कार मित्रों, एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, अब हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल हो करके थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एनिमेशन वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। हम एनिमेशन वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी, आपने कही होगी और आपने यूज़ भी की होगी दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। आखिर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, आज हम पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। तो हम बात करते हैं चलिए एक टॉपिक पे जिसका नाम है हार्डवेयर। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि हार्डवेयर वह होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है, हम लोग इसको जो है देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन हम क्या एमएस ऑफिस को देख और छू सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। तो हम हार्डवेयर की अगर बात करें तो देखिए इसमें लिखा गया है हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये बता रहा है कि जो हार्डवेयर है वो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच दिस पार्ट। सीधे सीधे कह रहा है कंप्यूटर अगर कोई पार्ट है उसको हम लोग टच कर सकते हैं तो उसको हम लोग हार्डवेयर ही कहेंगे। दिस आर प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू बिल्ड अप द कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, प्रोसेसर है जिसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं, मेमोरी है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है। इसको दोस्तों हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए हम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको तो ना तो हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कह रहा है कि इसका जो कलेक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन से होता है, प्रोसीड्यूर, डॉक्यूमेंटेशन एंड परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट टास्क काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी कैन से आल्सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्रामिंग कोड। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग कोड की नीड होती है। चाहे वो हमारा इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग क्यों ना हो, चाहे वो हमारी वेबसाइट क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड और कोड रिटन फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सप्लेन ऑफ सॉफ्टवेयर आर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फोटोशॉप। कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ यूज कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमारा एक्सेल है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, गूगल क्रोम में हम लोग दुनिया के कोई भी एक क्लिक से सर्च कर सकते हैं, फोटोशॉप है, फोटोशॉप में हम लोग अपने फोटो को बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए अभी हमने बात किया कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसते हैं और कहीं से नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके फंसेंगे सब डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से ही फंसेंगे। तो दोस्तों मित्रों हम लोग देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। चलिए देखिए जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है, फिजिकल पार्ट होता है, जो कि डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। लेकिन उसी की अपेक्षा अगर हम देखें सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को लेता है और एग्जैक्टली पता करता है कि हमें करना क्या है और करना क्या है और करता कैसे है, क्या करेंगे हम, ये सारी चीजें काम किसका है, सॉफ्टवेयर का।
इट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाया जाता है, इट इज डेवलप्ड बाय इंजीनियर्ड, मतलब क्या हुआ कि ये तो सांचे हार्डवेयर जो होता है वो सांचा में भी बना दिया जाता है, लोग भी इसे बना देते हैं, लेकिन इट इज डेवलप्ड बाय इंजीनियर्ड, मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर है या तो कोई इंजीनियर बनाएगा, तो वेब डेवलपर बनाएगा, या तो वेबसाइट मेकर बनाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति बना सकता है, लेकिन जो हार्डवेयर है उसको गंवार व्यक्ति भी बना सकता है। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो बिना किसी सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, सीधी सी बात है कि अगर हम आपके बिना नहीं रह सकते तो आप भी हमारे बिना नहीं रह सकते। अगर आप इस वीडियो को बिना देखे नहीं पढ़ सकते तो हम आपको बिना दिखाए नहीं पढ़ा सकते दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर के बिना अधूरा है। एज अ हार्डवेयर आर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, फिजिकल डिवाइस होता है, यानी कि फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वी कैन सी आल्सो यूज द सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट एक्चुअली टच देम, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देख तो सकते हैं दोस्तों, यूज तो कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। इट इज द फोर मेन कैटेगरीज इन टू डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स, मतलब क्या है इसकी फोर चार मेन कैटेगरी हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक पहला है इनपुट डिवाइस, आप लोगों को पता है कि जो डेटा को लेता है कंप्यूटर उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, ऑलरेडी इसके वीडियोस दोस्तों हमारे पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेंगे, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं अगर पढ़े नहीं है तो। स्टोरेज एंड इंटरनल ये क्या है, ये सब एक हार्डवेयर का क्या है एग्जाम्पल है, फोर मेन कैटेगरीज में बांटा गया है हार्डवेयर जैसे काम करता है। इट इज मेनली डिवाइडेड इन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कहने का क्या मतलब है, देखिए एक्चुअल में दो प्रकार के ही सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब किसी भी बिना प्रोग्रामिंग के कोई सॉफ्टवेयर तो बनता नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग डिवाइड किसमें किए गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस, जो हार्डवेयर होता है वो वायरस से इफेक्टेड नहीं होता है मित्रों, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो किससे इफेक्टेड होता है, वायरस से ही इफेक्टेड होता है। इट कैन नॉट ट्रांसफर्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस इलेक्ट्रिकली थ्रू द नेटवर्क, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हार्डवेयर होता है इसको हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज से नहीं भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, मतलब अगर हमें यहाँ से आपके पास हार्डवेयर पहुँचाना है तो हम नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई डेटा भेजना है, आपको कुछ भी भेजना है, कोई सॉफ्टवेयर की लिंक डालनी है, तो हम आराम से आपको भेज सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक के थ्रू जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ हार्डवेयर इज डैमेज्ड इट इज रिप्लेस्ड विथ वन न्यू, मतलब अगर एक हार्डवेयर डैमेज होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं, लेकिन इफ सॉफ्टवेयर इज डैमेज्ड, अगर सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ तो इट इज बैकअप्ड कॉपी कैन बी री इंस्टॉल्ड, मतलब क्या हुआ इसको हम लोग नया नहीं ला सकते, इसको हम लोग बैकअप दे सकते हैं और इंस्टॉल फिर से कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं इसके हार्डवेयर और जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा हार्डवेयर है इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड हम लोग ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, मॉनिटर ले लेते हैं, प्रिंटर ले लेते हैं, सीपीयू, डिस्क, रैम, रोम, ये क्या है, ये सारे चीज हमारे हार्डवेयर की ही डिवाइस है दोस्तों। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, माइस्क्वल, ये क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स, यानी कि जो आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के ही थ्रू वीडियो बनाई गई है, लेकिन जिसमें बनाई गई है वो हार्डवेयर है दोस्तों। इसलिए आप समझिए सीधी सी बात है कि हम आपके बिना अधूरे रहते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, ये दो ऐसे प्रेमी हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, और कोई भी बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा प्रेम ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, पहला स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि जो है दोस्तों कि इसमें क्या है, कैसे है,
और कोई अगर समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग एक बार जरूर से हमें सूचना दीजिएगा। मित्रों धन्यवाद।